फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं कुछ बिज़ी भी थी और तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं अभी से कंटिन्यू रहूँगी। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ जो भी आप लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। प्लीज़ मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, तो मैं अभी हूँ किचन में और मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज मैं दिखाती हूँ कि आज खाने में मैं क्या बना रही हूँ, आप लोगों को मैं बताती हूँ। ओ, यहाँ हमारे कौवा साहब इंतज़ार कर रहे हैं। इनको चाहिए गोश्त, इनको आदत है। जब भी मैं गोश्त बनाऊंगी, जब भी नहीं, मैं जब भी किचन में आती हूँ, ये बेचारा हर रोज़ आ जाता है, सोचता है कि हर रोज़ गोश्त मिलेगी मुझे। तो मैं अभी इसको गोश्त दे दूँ। आ जाए, आइए, चलिए आइए। फिर सभी दिल्ला ये खाएंगे आकर के यहाँ। तो मैं आज बना रही हूँ परवल गोश्त। वैसे तो मुझे परवल गोश्त पर्सनली मुझे नहीं पसंद है, पर मेरे खान साहब खाते हैं, तो मैं परवल गोश्त अभी बनाऊँगी। मैं रोज़े से हूँ आज, तो मैं तो दिन में नहीं खा रही हूँ, तो मैं रात में ही खाऊँगी एक बार। तो मैं भी बना रही हूँ परवल गोश्त, और आप देख सकते हैं हमारे जो कौवा जी हैं वो भाग गए कैमरा देखते ही। अभी ये आएँगे गोश्त, ये देखे आ गए। मुझे ये कौवा भी परेशान कर रहा है, वो उसको लग रहा है कैमरा तो भाग जा रहा है। हाँ जी, फ्री है, बोलिए। आ रही हूँ गोश्त देने के लिए, ये तो कैमरा देख देख करके भाग जा रहा है। फिर सभी लेता आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, छिपो मत, छिपो मत। ये देखिए छिप रहा है, एक भाग। नमाज़ के लिए मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ पहले जल्दी से नमाज़ पढ़ लूँ, और फिर उसके बाद से सालन भी बन चुका है ऑलमोस्ट। तो मेरी इफ्तार की वक्त हो चुकी है, मैं बैठी हूँ दस्तरखान पर। मैं आप लोगों को भी इफ्तार दिखा दूँ। बेटा अजान हो जाने दो बेटा, फिर खाना। ये अभी हमारा इफ्तार है, अभी आप लोग को बैक कैमरा से भी दिखाऊँगी। खान साहब अभी जूस बना रहे हैं हमारे लिए। सलाम कर दो, सलाम कर दो। सलाइकुम, से हाय। हाँ, तो मैं आप लोगों को इफ्तार भी दिखाती हूँ। इफ्तार का भी वक्त है, तो मैं सभी के लिए दुआ भी करूँगी। अल्लाह हम तमाम लोगों की परेशानियों को अपनी रहमत से दूर करे, आमीन या रब। तो ये है हमारा इफ्तार, आलू चॉप, प्याजू, अंडा चॉप, बैगनी, वहाँ पर फ्रूट्स भी है माशाल्लाह से। अभी डैडी आएंगे, खान साहब बैठेंगे, हम लोग इफ्तार करेंगे। और हमारे खान साहब जो है वो खाने में लग चुके हैं। आलू चॉप इनकी फेवरेट है, बहुत शौक से खाते हैं हमारे खान साहब, छोटे खान साहब। क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज। किसका है बोलो? बाबू का। अल्हम्दुलिल्लाह। लगाने दो, लगाने दो, लगाने दो, लगाने दो। वो हाथ से बजाना चाह रहा है। गले में डाले, डाल दो तो। Yeah.
सच में क्या? पूरी फैमिली आज डिनर पर जा रहे हैं। कोलकाता में एक नई रेस्टो ओपन हुई है, शेख नाम है उस रेस्टो का, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं डिनर पर। देखते हैं उसका खाना कैसा होता है, तो जैसा भी उसका टेस्ट होगा मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और अगर अच्छा होता है तो आप लोग ज़रूर जा कर के वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। और हैप्पी बेटा, हमारे यहाँ पर ये नया रेस्टोरेंट ओपन हुआ है शेख, अच्छा है, खूबसूरत है, डिनर बहुत अच्छी हुई है इसकी। कबाब बहुत यमी होती है, यहाँ की कबाब बहुत ही यमी, बहुत टेस्टी। हमने ये ऑर्डर किया है बीफ कबाब प्लेटर, इसमें हर तरीके की कबाब आपको मिलेगी। ये है, ये है, ये थोड़ा स्पाइसी है सोया कबाब, ये है मलाई कबाब, ये हमारा प्लेटर। खाओगे बेटा? डोंट टच, इट्स टू हॉट। कुलचा नहीं है? कुलचा नहीं है, पराठा टाइप कुछ। ये है मेरी प्लेट, ये यहाँ का स्पेशल सर्व कर दीजिएगा तो बेहतर होगा। पहले थोड़ा सा रेडी टेस्ट तो कर लीजिए। बस बस बस, अभी ऑनियन और खीरा दोनों दे दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिनर हो गया है और हम उबर में हैं, जा रहे हैं हम लोग घर।